हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम अपूर, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो ऑटो पैशन इंडिया। और आज हम आए हैं TVS के शोरूम क्रेसेंडो लखनऊ और हम देखने जा रहे हैं अपाचे RTR 164V के तीनों वर्जन्स देखेंगे। आपको स्पेशल एडिशन भी दिखाएंगे, डुअल डिस्क ब्रेक के साथ भी दिखाएंगे और सिंगल डिस्क ब्रेक के साथ भी दिखाएंगे। बाद में आप डिसाइड करना वीडियो देखने के बाद आपको कौन सी ज़्यादा पसंद आती है। चलिए देखते हैं गाड़ी में क्या स्पेशल। फ्रेंड्स, ये है TVS अपाचे RTR 160। कितनी खूबसूरत लग रही है, ये स्पेशल एडिशन है। आप देख सकते हो पीछे आपको रेड इसमें अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, इसमें ग्राफिक्स थोड़े चेंज हो जाते हैं और ये ब्लू कलर में आप देख रहे हैं डुअल डिस्क के साथ अपाचे RTR 164V। एंड ये ब्लैक्ड आउट में आप फ्रंट में डिस्क मिलेगा, रेयर में ड्रम मिलेगा। चलिए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अपाचे RTR 164V के फ्रंट से शुरू करते हैं। आप क्लियर हेडलैम्प सेटअप देख सकते हो, फुल LED हेडलैम्प सेटअप आ जाता है। बीच में यहाँ पे आपको सेंटर में DRLs मिल जाते हैं, यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश फ्रंट में मिल जाता है। आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है तीनों ही वर्जन में, चाहे आप डुअल डिस्क ब्रेक लें, सिंगल डिस्क ब्रेक लें, चाहे आप स्पेशल एडिशन भी लें, सबको बिल्कुल सेम आता है। आपको जो बैकलाइट भी है वो भी एग्जैक्टली आपको फुल LED में ही मिलती है। और इसके जो इंडिकेटर्स है आपको रेस स्टाइल मिलते हैं और हैलोजन बेस्ड हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। फ्रंट फेंडर आपको फाइबर में मिलता है, टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन मिल जाते हैं, रेयर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलते हैं। चेन ड्रिवन ये गाड़ी है, 160cc का इसका इंजन है जो मैक्सिमम पावर 17.4 PS की जनरेट करता है और जो मैक्सिमम टॉर्क 14.2 Nm का प्रोड्यूस करता है। आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आपको सारी गार्ड मिल जाता है, रेयर में आपको टायर हगर मिल जाता है। आपको जो इसका बेस वर्जन है उसमें भी आपको टायर हगर रेयर में मिलता है। काफ़ी ब्रॉड इसमें साइलेंसर मिल जाता है, ऊपर आपको मेटल यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल जाती है सिल्वर में और सिंगल नोट इसमें आता है, काफ़ी हैवी बेस के साथ आता है। आप यहाँ देख सकते हो रेयर में यहाँ पे आपको 200mm का डिस्क ब्रेक मिलता है और इसमें जो फ्रंट डिस्क ब्रेक आता है तीनों ही एडिशन में आपको 270mm का आता है रेयर में, 200mm का आता है, 130mm का रेयर में ड्रम ब्रेक आता है। आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। नीचे आपको इंजन प्रोटेक्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको लेग गार्ड दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। साइड में आपको यहाँ पे TVS की बैजिंग मिल जाती है, अच्छे ग्राफिक्स मिल जाते हैं। ब्लैक में आपको रेड एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन मिलता है, ब्लू में भी आपको रेड एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन मिलता है एंड आई थिंक वाइट में स्पेशल एडिशन में रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आपको मैट फिनिश ये पूरा दिया गया है सिल्वर में, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अपाचे की स्टिकरिंग मिल जाती है, फ्रंट के फुट पे आपको रबराइज मिलते हैं, रेयर में आपको मेटल के मिलते हैं। इसमें चेन के ऊपर आपको फाइबर का कवर दिया गया है प्रोटेक्शन के लिए, सारी गार्ड दिया गया है। पीछे का फेंडर देख लीजिए, फुल ब्लैक्ड आउट है, मैट ब्लैक फिनिश में दिया गया है। यहाँ पे आपको लाइसेंस नंबर प्लेट मिल जाती है, लाइट मिल जाती है, रिफ्लेक्टर यहाँ पे मिल जाता है, दोनों साइड में रिफ्लेक्टर मिल जाता है, फुल LED बैक लाइट इसमें मिल जाती है। बैक लुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और सिंगल सीट का ऑप्शन है इसमें, कोई भी स्प्लिट सीट नहीं आती है। आई थिंक स्पेशल एडिशन में भी नहीं होगी। इस साइड आपको RTR 164V की बैजिंग स्टिकरिंग मिल जाती है। पीछे का ग्रैब हैंडल मेटल फिनिश्ड है ग्रे में, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी कुशनिंग दी हुई है सीट्स पे। थोड़ी मुझे ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है, अगर थोड़ा सा और हार्ड होती तो लॉन्ग राइड्स और भी इजी हो जाती। इसका टैंक आपको 12 लीटर्स का मिलेगा, 2.5 लीटर्स का इसका रिजर्व आपको मिल जाता है। E20 कंप्लाइंट है तीनों ही वर्जन्स। इस समय आप देख रहे हो ब्लू ब्लैक एंड वो वाइट में स्पेशल एडिशन एंड RTR 160 की यहाँ पे आपको बैजिंग मिलती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे बटन्स देख लेते हैं, यहाँ पे इंजन किल स्विच मिल जाता है मोड चेंज करने के लिए, यहाँ मिल जाता है, यहाँ पे लाइट्स को ऑन ऑफ करने के लिए मिलता है। इस तरफ अभी रैप्ड है, आपको ब्लू में दिखा देता हूँ, एग्जैक्टली सेम है डुअल डिस्क में। यहाँ पे आपको फ्रंट में पास मिल जाएगा येलो में, ब्लैक्ड आउट में, लो बीम हाई बीम इंडिकेटर और यहाँ पे हॉर्न मिल जाता है। चलिए इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक बार देख लेते हैं, बेसिक लॉक मिलता है, बेसिक कीज़ इसमें मिल जाती हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। ब्लैक्ड आउट में इसमें हैंडल मिल जाता है, ग्रिप्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं और यहाँ पे आई थिंक ये फाइबर ही फिनिश्ड है, ये प्लास्टिक फिनिश्ड आप कह सकते हो कि यहाँ पे बारेंड्स मिल जाते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर आपको आरपीएम मीटर मिलेगा, स्पीडोमीटर मिलेगा, यहाँ पे आपको तीन मोड्स मिल जाते हैं। ये मोड इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है, मोड बटन आपको तीनों ही बाइक में मिलेगा, चाहे आप बेस लें, डिस्क ब्रेक विद ड्रम ब्रेक लें, डुअल डिस्क लें, चाहे स्पेशल एडिशन लें। और यहाँ पे आप देख सकते हो रेन पे हैं अभी हम, अर्बन पे आएंगे, फिर स्पोर्ट्स है, ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। डिजिटल यहाँ पे फ्यूल गेज मिल जाता है, टाइम आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रिप्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप ट्रिप टू हाई स्पीड रिकॉर्ड कर लेता है, ये सब कुछ यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ओडोमीटर आ गया एंड यहाँ पे सारी वार्निंग आ जाती है। सिंगल चैनल एबीएस के साथ ये गाड़ियाँ आती हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया है कंपनी ने, प्रोटेक्शन का ख्याल रखा है। यहाँ ब्लू के साथ वाइट का कॉम्बिनेशन सेंटर में दिया है, सेंटर स्ट्रिप काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ पे आपको रेस ग्राफिक्स मिल जाते हैं, यहाँ ब्लैक के साथ भी वाइट का कॉम्बिनेशन दिया है एंड वाइट के साथ वहाँ रेड का कॉम्बिनेशन दिया है, अभी चल के दिखाता हूँ आपको। चलिए इसकी आवाज़ सुन लेते हैं एक बार, और आवाज़ तीनों की सेम है, आवाज़ आपको मैं ब्लैक में सुना देता हूँ। काफ़ी अच्छी आवाज़ है, आपको डुअल आवाज़ आपको सुनाई देगी। पीछे आप टेल लाइट देख लो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। फ्रंट में हेडलाइट्स आप देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। ऊपर नीचे दो में स्प्लिट की गई है, बीच में आपको डीआरएल्स मिल जाता है, यहीं से आप इसको ऑफ कर सकते हैं। इसका थ्रो देख लीजिए, कुछ अंदाज़ा आपको लग जाएगा। तो लाइट्स एग्जैक्टली सेम है आपको तीनों ही बाइक्स में, कोई भी डिफरेंस नहीं मिलने वाला लाइट्स में। टायर प्रोफाइल की हम बात कर लेते हैं, फ्रंट में आपको 1917 के टायर प्रोफाइल मिलते हैं तीनों में, तीनों में एग्जैक्टली सेम है। रेयर में आपको फ़र्क मिलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सीएट का टायर लगा हुआ है इसमें और ट्यूबलेस टायर है फ्रंट और रेयर में। आपको डुअल डिस्क और स्पेशल एडिशन में 130/70R17 का रेयर प्रोफाइल का टायर मिलेगा एंड जो आपका सिंगल डिस्क विद ड्रम ब्रेक आएगा उसमें आपको 180/17 का टायर प्रोफाइल मिलेगा। थोड़ा सा इसमें नैरो रखा गया है, इसमें थोड़ा ब्रॉड रखा गया है। सेम आपको स्पेशल एडिशन में भी दिया गया है, यहाँ पे भी मैं एक बार आपको चेक करा देता हूँ। देखिए 130/70/17 का दिया गया है, रेड में अलॉय व्हील्स दिए गए, काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। टायर हगर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मोनोशॉक सस्पेंशन है, 5-way एडजस्टेबल है, बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा दिया है, वहाँ पे ये पोर्शन सिल्वर था, यहाँ पे ब्लैक कर दिया। पावर बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं दिया है कंपनी ने। फ्रंट टायर प्रोफाइल भी आप एक बार देख लो, 1917 है। अलॉय व्हील्स आपको फ्रंट में स्पेशल एडिशन में ब्लैक मिलते हैं, रेयर में रेड मिल जाते हैं। सेंटर टैंक में आपको वाइट एंड रेड का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, रेसिंग ग्राफिक्स दिए हैं सिल्वर में। इसका फ्यूल कैप दिया है, E20 कंप्लायंट है। कंसोल में कोई फ़र्क नहीं है, उसमें येलो था, इसमें ज़्यादा क्लियर है, आप देख सकते हो। ये ब्लूटूथ एडिशन है, ये भी एक डिफरेंस है, ये स्पेशल एडिशन मतलब ब्लूटूथ एडिशन है एंड ये दोनों ब्लूटूथ एडिशन नहीं है, ब्लैक एंड ब्लू। अब यहाँ पे देख सकते हो स्पीडोमीटर आ जाएगा, आरपीएम मीटर आ जाएगा, यहाँ पे अपनी ट्रिप्स आप देख सकते हो, ओडोमीटर है, गियर शिफ्टिंग है, ब्लूटूथ है। यहाँ मैं स्टैंड लगाता हूँ तो यहाँ देखिए स्टैंड रिमाइंडर है, साइड स्टैंड रिमाइंडर है, टाइम आ जाता है, बाकी और चीज़ में आपको ट्रिप ए ट्रिप बी बाकी सब लैप आप इसमें देख सकते हो। हाई स्पीड मोड आप सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से मोड मैं चेंज करके आपको दिखाता हूँ। स्पोर्ट्स पे लगा था, रेन आ गया, अर्बन आ गया और स्पोर्ट्स आ गया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बार भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं इसमें। फ्रंट में एडजस्टेबल लीवर्स आ जाते हैं जो आपके इन दोनों वर्जन्स में नहीं आते, ना बेस में आएगा और ना ही मिडिल वर्जन में आएगा, आप देख सकते हो फिक्स्ड है। एंड यहाँ पे आपको एडजस्टेबल फ्रंट में लीवर्स मिलते हैं, क्रोम फिनिश्ड है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये सिल्वर जो है हल्का सा क्रोम और सिल्वर का मिक्स मुझे लग रहा है, क्योंकि शाइन भी कर रहा है और डल फिनिश भी थोड़ा दे रहा है। अगर पास से आप देखते हो तो यहाँ पे आपको फुल ब्लैक्ड आउट मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। फाइबर में फ्रंट का आपको फेंडर मिल जाता है, बाकी काफ़ी खूबसूरत इसकी कलर थीम है, यहाँ पे रेड एंड ब्लैक का यहाँ पे सीट मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। सेम
काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, तो सिटी राइड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन लॉन्ग राइड्स पे ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है। तो ये आप देख लेना जब इसे लॉन्ग राइड्स के लेके जाना, कुछ एक्स्ट्रा इसमें कुशनिंग करवा लेना। इसमें साइड स्टैंड मेन स्टैंड दोनों आते हैं और 5 गियर शिफ्ट के साथ ये आती है, 1 डाउन 4 अप के साथ, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। FI इंजन इसमें आता है, ऑयल कूल्ड 4 स्ट्रोक और 4 वॉल्व्स का इसमें इंजन आता है, तो कंपनी ने काफ़ी रिलैक्स इंजन इसका बना रखा है। अगर इसके मैं डायमेंशंस की बात करूं तो इसकी हाइट 1050 mm है, लेंथ 2035 mm है, विड्थ 790 mm है, व्हील बेस 1360 mm का है, ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm का है और सैडल हाइट आपको 800 mm की मिलेगी। और इसका कर्व वेट मैं बताऊं तो 145 kg से लेके 147 kg तक है। 12 वोल्ट की इसमें बैटरी लगती है। बाकी क्लच इसमें वेट मल्टी प्लेट क्लच मिल जाता है, मफलर इसमें ट्विन पाइप आपको मिल जाता है, ट्विन बैरल है, लेकिन एग्जॉस्ट इसमें एक ही आपको मिलता है, और विस्कोस पेपर फिल्टर एयर फिल्टर इसमें मिल जाता है, और कूलिंग सिस्टम इसमें ऑयल कूलर है रैम एयर असिस्ट के साथ। फ्रेंड्स, अपाचे RTR 164V के अगर प्राइसेस की बात करूँ तो स्पेशल एडिशन का प्राइस जो एक्स शोरूम है वो 1,34,000 रुपये के आसपास है, और ऑन रोड प्राइस लखनऊ में आपको 1,60,000 रुपये के आसपास पड़ेगा। एंड जो डुअल डिस्क ब्रेक है उसका प्राइस आपको 1,29,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस है, और ऑन रोड प्राइस 1,54,000 रुपये के आसपास पड़ेगा लखनऊ में। एंड जो सिंगल डिस्क ब्रेक है और रेयर में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है, ब्लैक एडिशन जो इसमें आप देख रहे हो, वो 1,26,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस है और ऑन रोड प्राइस 1,50,000। सो फ्रेंड्स, आज की बाइक TVS अपाचे RTR 164V आपको कैसे लगी, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगा, ये रेस एडिशन लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। मुझे कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बाकी ये दोनों भी ख़राब नहीं है। अगर मोनोटोन में आप चाहते हो, अगर आप सिंपल लुक से साथ चाहते हो, तो ये काफ़ी अच्छा है। नेकेड बाइक है, अच्छा एग्रेशन ये प्रोड्यूस करती है, काफ़ी अच्छे पावर फिगर्स ये देती है 1cc सेगमेंट में, और एवरेज भी इसका डिसेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। FI इंजन इसमें मिल जाता है, इसमें ऑयल कूल्ड आपको 4 स्ट्रोक इंजन मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये, एंड काफ़ी अच्छी आवाज़ प्रोड्यूस करता है। इसका जो साइलेंसर नोट है काफ़ी अच्छा है, डुअल बैरल है वो, लेकिन सिंगल नोट इसमें बाहर आता है। टायर हगर्स इसमें मिल जाते हैं, स्टाइलिंग में कोई भी कमी नहीं है। ब्लूटूथ चाहिए तो आप स्पेशल एडिशन के साथ जा सकते हो, बाकी अगर ब्लूटूथ नहीं चाहिए तो ये मोनोटोन कलर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। आप क्या सोचते हो, कौन सी आपको पसंद है, कौन सी नहीं पसंद है, क्या बाइक में पसंद आया क्या नहीं पसंद आया, ये भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ऑटो पैशन इंडिया के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। आपको कुछ और जानकारी चाहिए इस बाइक के बारे में, डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ। और आज की वीडियो के लिए स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूँ मैं क्रिसेंडो TVS को, जिनका शोरूम फैज़ाबाद रोड लखनऊ पे है। डिस्क्रिप्शन में मैं इनका एड्रेस डाल दूंगा और कंसर्न पर्सन का फ़ोन नंबर भी डाल दूंगा, तो डेफिनेटली आप शोरूम विज़िट करिए, गाड़ी को एक्सपीरियंस करिए, चला के देखिए, फ़ोटो क्लिक कीजिए, आपको सूट करती है, आपकी पर्सनैलिटी को सूट करती है, आपके रिक्वायरमेंट को ये सूट करती है कि नहीं करती है, तब गाड़ी पिक करिएगा। चलिए मिलते हैं जल्दी, बाय।